हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा, साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 17, क्लास 8, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्टार्स, नाइट इन स्काई, सिलिशियस ऑब्जेक्ट, द मून, फेजेस ऑफ मून्स. नाउ टुडेज टॉपिक इज द स्टार्स. टुडेज टॉपिक इज द स्टार्स. नाउ एक्सप्लेन इट. द स्टार्स, वट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई. इसके पहले वाले सारे टॉपिक मैंने जो आपको स्टूडेंट से पार्ट वन पार्ट टू जो है इसका आप जरूर देखना, तभी आपको ये प्रॉपर समझ आएगा कि मून का सरफेस कैसा होता है, एस्ट्रोनॉट्स जो मून में गए तो कैसा दिखाई देता है, ठीक है, फेजेस ऑफ मून कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें, सिलिशियस ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो सिलिशियस ऑफ बॉडीज क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम द स्टार्स. वट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई. देर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई. आपने देखा है ना कि अगर रात को आप स्काई में देखते हो तो बहुत सारे स्टार्स जो है आकाश में दिखाई देते हैं. इनको आप अगर केयरफुली ऑब्जर्व करोगे डार्क नाइट में, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे केयरफुली ऑन ए डार्क नाइट एंड फॉर्म ए प्लेस वेयर फॉर्म ए बिग सिटी और ऑल द स्टार्स आर इक्वली, तो आप देखोगे बहुत सारे स्टार्स लगभग एक जैसे जो है चमकते हैं. आर दे ऑफ द सेम कलर, एक जैसे कलर के होते हैं. इन फैक्ट स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन. आपको पता है कि मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है, तो उनकी इमिट लाइट होती है. द सन इज ऑल्सो स्टार. सन भी एक स्टार है, ठीक है. वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार. आपने देखा होगा सन तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन स्टार्स क्या होते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? विच अपीयर बिगर ए फुटबॉल प्लेस नियर यू और ए फुटबॉल प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 meters. आप अगर आपके पास एक फुटबॉल है और आपको नज़दीक में रख दिया गया और उसको 100 meters के डिस्टेंस पे रख दिया गया, तो आपको कैसा होगा? जो नज़दीक है वो फुटबॉल तो आपको बड़ी सी दिखाई दे रही है, लेकिन जो दूर है वो फुटबॉल आपको कैसी दिखाई दे रही है? छोटी दिखाई दे रही है ना. सेम यही रीज़न है स्टार में और जो सन है उसमें. The stars are the millions of time further away than the sun. जो stars हैं वो sun से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें वो क्या होते हैं, point जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि like a point, जैसे कि वहाँ पर एक point है, इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. The sun और sun जो है उससे कहीं ज़्यादा near है. तो sun जो है लगभग हमसे जो इसको हम पढ़ सकते हैं 150 million kilometers अवे फ्रॉम द अर्थ. सन की जो हमारी अर्थ से दूरी है लगभग 150 million kilometers जो है डिस्टेंस है. और द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी. इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अबाउट, जो अल्फा सेंचुरी स्टार्स हैं उनकी दूरी लगभग, आप देख सकते हो कि इनकी काउंटिंग करना भी बहुत मुश्किल है किलोमीटर में. तो इसके लिए इसको इजीली पढ़ना हो, इसलिए इस जो लार्ज डिस्टेंस है उसको हम छोटी यूनिट में जो है बता सकें, छोटी यूनिट में हम उसको पढ़ सकें, तो उसके लिए यूज़ किया गया लाइट ईयर का, ठीक है. तो लाइट ईयर क्या हो गया कि सच लार्ज डिस्टेंस आर द एक्सप्रेस इन अनदर यूनिट नॉन एज लाइट ईयर. जो बड़ी सी यूनिट है उसको हम, जो बड़ी सी डिस्टेंस थी, ज़्यादा डिस्टेंस थी, उसको हम एक्सप्रेस कर सकें, उसे क्या बोलते हैं, लाइट ईयर. इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर. जो डिस्टेंस एक साल में तय की जाती है, रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ द लाइट, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 300,000 kilometers per second, ठीक है. दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 light minutes. मतलब लगभग अगर हम माना जाए कि सन जो है अर्थ से वो कितना है, 8 light minutes है. द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा सेंचुरी, और अल्फा सेंचुरी कितना है, 4.3 light years है, ठीक है. तो अब पहली कुछ बोल रही है, इफ लाइट फ्रॉम स्टार टेक ईयर टू रीच अस, आई वॉन्डर इफ वी आर लुकिंग इन टू द पास्ट वेन वी लुक एट अ स्टार. तो अगर हमें क्या है, एक साल लग जाए हमारे पास तक लाइट को पहुँचने में, तो क्या होगा, बहुत मुश्किल होगी, है ना. आई वॉन्ट टू नाउ
Why we do not see the star during the day? Why are they visible only at night? अब आपको पता चल चुका होगा कि स्टार्स जो होते हैं रात को ही क्यों दिखाई देते हैं और दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्यों नहीं दिखाई देते। दिन में जो सन की लाइट होती है, सन नज़दीक होता है, ठीक है, वो उससे हम ज़्यादा रोशनी के कारण हम उसको देख नहीं पाते स्टार्स को, और रात के समय में क्योंकि सनलाइट नहीं होती जिसकी वजह से हम स्टार्स को देख पाते हैं। इनफैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। मतलब अगर हम जाने कि स्टार्स जो है दिन टाइम में भी होते हैं, हाउ एवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सन की ब्राइट लाइट जो है हमारे पास तक पहुंचती है। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और ए ग्रुप ऑफ ए स्टार इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। वट डू यू फाइंड? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई? आप ऑब्जर्व करो, 2 या 3 घंटे में जो स्काई में स्टार्स हैं आप देखोगे उनकी पोजिशन टाइम टू टाइम जो है 2 या 3 घंटे में चेंज होती रहती है। यू विल फाइंड द स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ये चीज़ आपको याद रखना है, जो अर्थ है हमेशा वेस्ट टू ईस्ट जाती है। ठीक है, जो अर्थ की मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, और जो स्टार्स होते हैं उनकी मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर अर्थ जो है इस साइड को मूव कर रही है तो स्टार्स तो हमें क्या होंगे, दूसरी साइड को मूव करते हुए दिखाई देंगे। कैसे? अगर आप के पास यहाँ कोई सॉरी यहाँ पर अगर कोई बस मूव कर रही है, ठीक है, और आप जो है इस साइड को मूव कर रहे हो, ठीक है, बस जो है इस साइड को मूव कर रही है, तो आपको क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये भी छोड़ो, एक ट्री है यहाँ पर, ठीक है, आप ट्री के नज़दीक से आप अगर मूव कर रहे हो आगे को, तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्री क्या कर रही है, उस साइड को मूव कर रही है। ठीक है, इसलिए अर्थ जो है हमारी कहाँ से कहाँ करती है, वेस्ट टू ईस्ट, और स्टार जो होते हैं ईस्ट टू वेस्ट जो है मूव करते हैं। ठीक है, वाई डू स्टार अपीयर मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्यों करते हैं ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, एक्टिविटी देख लेते हैं। स्टार इन द सेंटर ऑफ द बिग रूम एंड स्टार रोटेटेड इन विच द डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव। डू यू सी दैम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट इन योर मोशन? ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास घर है, बहुत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें क्या लगेगा कि दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, पहली रिकॉल दैट व्हेन शी इन ए मूविंग ए ट्रेन द नियर बाय ट्रेन एंड बिल्डिंग अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट? ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये मैं अभी बता के आती हूँ आपको कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो स्टार्स हमें कैसे दिखाई देते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बुझो क्या बोल रहा है। नाउ आई एम अंडरस्टैंड वाई द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। क्योंकि जो है अर्थ अपने एक्सिस से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसलिए हमें सन जो है ईस्ट साइड जो है राइजिंग दिखाई देता है और वेस्ट साइड सनसेट दिखाई देता है। पहली कह रही है, माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट देयर इज वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल। हाउ इट इज पॉसिबल? अब जब हम कह रहे हैं स्टार्स मूव कर रहे हैं, तो पहली कन्फ्यूज है कि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो बोल रहे हैं कि एक स्टार जो है मूव नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए हम एक्टिविटी देखते हैं। अगर आप एक्टिविटी को ध्यान से समझोगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक अम्ब्रेला ले लिया हमने, इस अम्ब्रेला में हमने ढेर सारे यहाँ पर जो है स्टार्स लगा लिए। ठीक है, स्टार्स लगा लिए और एक स्टार्स हमने बीच में लगा लिया, एक स्टार को हमने बीच में लगा लिया। अब इस अम्ब्रेला को जो है हम रोटेट करेंगे, कॉन्टिन्यू रोटेट करेंगे, तो ये जो स्टार्स हैं साइड में बने हुए, ये स्टार्स तो रोटेट होंगे, बट जो बीच वाला स्टार है वो क्या होगा, अपनी जगह ही फिक्स होगा। ठीक है, तो ये जो अपनी जगह फिक्स है, रोटेट नहीं हो रहा है, ये क्या है, पोल स्टार। पोल स्टार कैसे होता है, अगर आप यहाँ देखोगे कि इस तरीके से हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और जो पोल स्टार है वो सीधे जो है एक्सिस पर है, तो अर्थ रोटेट कर रही है बट एक्सिस तो उसका वही है ना, और जो पोल स्टार है
जो सेम उसके एक्सिस पर है, इस कारण से पोल स्टार जो है हमें रोटेट करता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देर इज एक्चुअली ए स्टार, द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, क्योंकि पोल स्टार अर्थ के एक्सिस पर होता है। इट डज नॉट अपीयर टू मूव, इसलिए वो हमें मूव करते हुए नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है? लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, आपने स्काई में देखा होगा कई टाइम, कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप विद अ शेप लाइक दोज इन फिगर्स। आपको फिगर दी हुई है, अभी दिखाते हैं। तो उसमें जो है स्टार्स जो है अलग अलग शेप में दिखाई देते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड ए कॉन्स्टलेशन। तो क्या होता है, जब स्टार्स जो होते हैं अलग अलग शेप में एक ग्रुप में होते हैं, जो उनका वो ग्रुप होता है, शेप का ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टलेशन पर डिवाइस्ड बाय द एंशियंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज अ स्टार इन द स्काई। द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल। जो कॉन्स्टलेशंस थे वो क्या थे, पुराने टाइम में जो लोग थे एंशियंट टाइम में, तो उन्होंने अपने हिसाब से उनकी शेप्स दे रखी थी, क्योंकि पुराने लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उस टाइम में ऑब्जेक्ट्स होते थे उस हिसाब से उन्होंने आइडेंटिफाई करके उनकी शेप्स जो है दे दी। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टेलेशंस इन द नाइट स्काई फॉर दिस यू शुड नाउ हाउ ए पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशंस लुक लाइक एंड वेयर टू द लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। आप एक पर्टिकुलर जो कॉन्स्टेलेशंस हैं उसको नाइट स्काई में देख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग, बहुत ही कम फेमस जो है कॉन्स्टेलेशंस वो भी स्काई में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से, ये स्टार्स की जो ग्रुपिंग है, ये स्टार्स की ग्रुपिंग, इसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक ग्रेट बियर है, ओरियन है, कैसियोपिया है, लियो मेजा है। ठीक है, तो समर टाइम इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द नाइट इन उर्सा मेजर। समर टाइम में जो होता है उसमें जो है उर्सा मेजर दिखाई देता है रात के टाइम में। इज आल्सो नॉन एज बिग डिपर, इसको बिग डिपर भी कहते हैं, ग्रेट बियर भी कहते हैं, सप्तर्षि भी बोलते हैं उर्सा मेजर को। इट इज आल्सो नॉन एज द बिग, सॉरी ये तो हो गया। देर आर सेवन प्रोमिनेंट स्टार इन दिस कॉन्स्टलेशन। जो कॉन्स्टलेशन उसमें मोस्टली जो होते हैं सेवन स्टार्स होते हैं। इट अपेयर लाइक ए बिग लेडल और ए क्वेश्चन मार्क। देर आर थ्री स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड द फोर इट द बाउल। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो हैंडल है यहाँ पर लगभग ये थ्री स्टार्स होते हैं, और जो ये बाउल की जो शेप होती है यहाँ पर क्या होते हैं? फोर स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेवन स्टार्स हो गए। इस तरीके से वो ऐसे पोजीशन में होते हैं, ऐसा लगता है कि वो क्या है? डिपर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो, हाँ यहीं पर है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। तो आपने इसमें जैसे कि आप इस तरीके से आपने देख लिया कि जैसे स्पून लेके आप इस तरीके से कोई चीज़ खा रहे हो, तो उस शेप में जो है उर्सा मेसर दिखाई देता है। ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टेलेशन फॉर अ फ्यू आवर्स। डू यू फाइंड एनी चेंज इन दिस शेप? डू यू फाइंड एनी चेंज इट्स पोजिशन? डू विल यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन रिमेन द सेम। यू विल आल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टेलेशन अपियर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें पता है कॉन्स्टेलेशंस की मूविंग क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। तो आप देखो क्या इसमें कुछ टाइम बाद चेंजेस नजर आते हैं? यस, चेंजेस नजर आएंगे। आई हैव हेयर दैट वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। ठीक है, लोग हम उर्सा मेजर की मदद से, जो पोल स्टार की मदद से उर्सा मेजर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब जो है इस तरीके से, जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर पोल स्टार है। ठीक है, आप अगर इसकी हेल्प लोगे, पोल स्टार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पर आप देखो उर्सा मेजर दिखाई देगा, ये इसके हैंडल और ये जो उसका बाउल। ठीक है, तो आप पोल स्टार के हेल्प से इस शेप को देख सकते हो। और अगर आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो आप क्या देखोगे? ये देखो, ये उर्सा मेजर जो है वो अपनी शेप को क्या कर रहा है? टाइम टू टाइम मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है, लेकिन पोल स्टार क्या होगा? अपनी जगह फिक्स होगा। ठीक है, और नेक्स्ट,
ड्यूरिंग द समर नाइट ऑब्जर्व उर्सा मेजर 3-4 टाइम द इंटरवल 2-3 आवर्स. तो उर्सा मेजर जो है आप समर में देख सकते हो और इसकी मूवमेंट क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है और हर 2 से 3 घंटे में ये अपनी पोजिशन को चेंज करता रहता है. ठीक है, अब पोल स्टार जो है आपको पता है, एक चीज़ आपने नोट करना है, ये याद रखना है कि जो पोल स्टार नॉट विजिबल फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फेयर, जो पोल स्टार होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में नहीं होता है, दिखाई देता है. सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशंस लाइक द उर्सा मेजर मे आल्सो नॉट बी विजिबल, और उर्सा मेजर भी वहाँ पर नहीं दिखाई देता है फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फेयर. साउदर्न हेमिस्फेयर पर कुछ पॉइंटों पर ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं. ठीक है, तो वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट जो हमारा ओरियन कॉन्स्टेलेशंस हैं, ठीक है, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आपको बोर कर देती है. जितना टॉपिक कराया है आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से कर लेना है. इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ज़रूर देख लेना. आई होप आपको समझ आ गया हो. तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. ओके स्टूडेंट्स.